विश्व कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया से अधिक प्रशंसनीय है। आपको लगेगा कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन नहीं। अगर हम पिछले चार विश्व कप देखें तो यह स्पष्ट है कि भारतीय टीम ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। 2011 में भारतीय टीम ने 9 मैचों में से 7 जीत हासिल की, एक में हार का सामना किया और एक मैच तय हो गया था। इस वर्ल्ड कप में भारत ने उत्कृष्टता की ऊंचाइयों तक पहुंचकर विश्व कप जीता था। इसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने 7 मैच खेले, जिनमें वे 2 हारे और एक मैच रद्द हुआ था। इसका मतलब है कि भारत का जीतने का प्रतिशत 78% है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का प्रतिशत 57% है। हार के मामले में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़े हैं, जहां भारत का प्रतिशत 11% था और ऑस्ट्रेलिया का 29%। 2015 विश्व कप में भारतीय टीम ने 8 मैचों में से 7 जीतें हासिल की और एक मैच में हार का सामना किया। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया ने कुल 9 मैच खेले, जिनमें से 7 में जीत हासिल की, एक में हारे और एक मैच में कोई नतीजा नहीं था। इसका मतलब है कि भारत का जीतने का प्रतिशत 88% है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का प्रतिशत 78% है, जो कि इंडिया से थोड़ा कम है। इस विश्व कप में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने एक एक मैच में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप की ट्रॉफी उठाई। 2019 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने 10 मैच खेले, जिनमें से 7 जीते, 2 हारे और एक में कोई नतीजा नहीं था। उसी समय ऑस्ट्रेलिया ने भी 10 मैच खेले, जिनमें से 7 जीते और 3 में उसे हार मिली थी। इससे स्पष्ट होता है कि दोनों टीमों का जीत का प्रतिशत समान था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हार का प्रतिशत जो कि 30% है, भारत की हार का प्रतिशत 20% से अधिक था। हालांकि उस साल इंग्लैंड ने ट्रॉफी उठाई थी। 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने कुल 11 मैच खेले, जिनमें से 10 जीते और एक हारा था। ऑस्ट्रेलिया ने भी 11 मैच खेले, जिनमें से वे 9 जीते और 2 हार गए थे। भारत के अच्छे परफॉर्मेंस के बावजूद ट्रॉफी उठाने का गर्व ऑस्ट्रेलिया को हुआ। समग्र आंकड़ों की दृष्टि से टीम इंडिया का कुल जीत प्रतिशत 82% है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 73% है। इससे स्पष्ट होता है कि विश्व कप में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा है। हार के प्रतिशत में भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ता है, क्योंकि इंडिया का हार प्रतिशत 13% है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का 22% है। इन 4 विश्व कपों के दौरान इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 5 बार मुकाबला कर चुके हैं, जिसमें 3 बार इंडिया ने और 2 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है। ये स्पष्ट होता है कि परफॉर्मेंस के मामले में इंडिया पिछले 4 विश्व कपों में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ चुका है। हालांकि इन 4 विश्व कपों में इंडिया ने सिर्फ एक ही बार जीत हासिल की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार और इंग्लैंड ने 1 बार विश्व कप फाइनल जीता है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड का भी प्रदर्शन विश्व कप में प्रशंसनीय है। इसलिए हम बोलते हैं, वर्ल्ड कप जीतने के लिए परफॉर्मेंस के साथ साथ लक का भी जरूरत होता है।